ये है वो जगह जहाँ पिछले साल हम 10 विकेटों से जीते थे। इस स्टेडियम की कैफियत देखें, इस स्टेडियम का जज्बा देखें। ये खामोशी एक तूफान की अलामत है। 28 तारीख को एक दफा फिर पाकिस्तान इंडिया का समझ गया। Meanwhile, बड़े लॉर्ड साहब अपने बाबर के आउट हो गया, रिस्पांस आउट हो गया, मेरी जगह हवा निकल गई। मैच शुरू होने से पहले इन पाकिस्तानियों का बड़बोला पद तो देखो। एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, एशिया कप में आने वाली भारतीय टीम इस वक्त खासी हमें डामा डोल नजर आ रही है। पाकिस्तान के पास रिवायती हरीफ को हराने का बड़ा चांस है। और इंडिया ने एक छक्का लगाया और इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये वही फिजा खलीफा है जो भारत को मैच हराने के बाद में कितना जोर जोर से चीख रही थी और खुश हो रही थी। अच्छा, मौके से मुझे कुछ याद आया, भारत हर वर्ल्ड कप में वो बड़ा कहता है मौका मौका, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हल्का साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन अब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को इतनी बुरी शिकस्त देकर हिंदुस्तान को मुंह छुपाने तक का मौका तक नहीं दिया। अब इन्हें पता चला होगा मौका मौका। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये चुतियापा का लानत है मिडल ऑर्डर पे। जिन बाबर आजम और रिजवान को छोड़ दे, बाकी सारी टीम को नहर पे खड़ा करके चूड़ियां पहना के छितर मारे जाए। मैच खेलते हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। हमारे पास ना कोई सीनियर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर लाइनअप थी, आप ऑल ओवर से साथ खेल रहे थे। लानत है यार, सीधी बात है, लानत है। दुश्मन को हमारी खुशी फिर खटकने लगी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरे सारे हिंदुस्तानी भाइयों को पाकिस्तान के ऊपर जीत की बहुत 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 बधाइयां। पाकिस्तानी फ्लड से वैसे परेशान हो रहे थे और ऊपर से भारतीयों ने और क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तानियों को पेल दिया, और पेलना ही चाहिए था क्योंकि जो गंद पाकिस्तान ने 10 महीने पहले मचाया था उस गंद को साफ करना हमारी क्रिकेट टीम का ही काम था। लेकिन इस जीत से सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी हुआ है तो वो है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मीडिया, क्योंकि वो इतने बड़बोले बॉल बोल रहे थे, अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक ही थी। और पाकिस्तानी को रोना चीखना चिल्लाना बिलबिलाना वही तो हमारे आनंद का जरिया है, तो चलिए आनंद लेने चलते हैं पाकिस्तान। ठीक है, दौरा पड़ा, दौरा पड़ने के बाद सारे दोस्तों ने उनको पकड़ा, अभी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत जज्बाती हो चुके हैं। मतलब इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं होती, यहाँ पे लोग मरने टीवी तोड़ देते हैं, लोग आपस में मियां बीवी घर में झगड़े हो जाते हैं, इनको कोई मतलब आपका एटीट्यूड के साथ तो आए, आपने खेलना है मैच खेलने आए कि आप पहले भी मुर्दा दिल के साथ, मैं देख रहा था चेहरे यहाँ पे। हम हारते हैं पता नहीं अजीब अजीब काम करते हैं, कभी कोई टीवी तोड़ रहा है, कभी कोई इंडिया वालों को बुरा भला कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है कि ये मैच ऐसे हो गया वैसे मैच फिक्सिंग हो गई। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, हमें लगता है अच्छे फुटबॉल खेलते हैं। मैंने एकदम से देखा आप एकदम से कुर्सी से गिर गए हैं, हुआ क्या था बेसिकली? स्टार्ट करूं कि जीत चुका था पाकिस्तान, यार ये मैच पाकिस्तान जीत चुका था, जीत गए हुए थे हम मैच, पहले विराट कोहली ने कैच छोड़ दी, विराट कोहली का। लेकिन यहाँ पे एक वाकया ये हो गया है कि हमारे साथ एक पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने बैटिंग लगाई हुई थी और एकदम से उनका 1.5 लाख रुपया डूब गया है, वो थोड़े से हेल्थ का भी प्रॉब्लम उनको हुआ, उनको एक दौरा पड़ा, दौरा पड़ने के बाद सारे दोस्तों ने उनको पकड़ा, अभी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत जज्बाती हो चुके हैं जी, अभी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई आप मुझे ये बताएं कि इनको हुआ क्या बेसिकली? यार इनको बड़ा बुरा दुख लगा है, किसी जोशी पे ट्रस्ट कर बैठे थे, 1.5 लाख रुपया यूट्यूबर थी उनपे ट्रस्ट कर बच्चा है, दियारी दियार बच्चा। मैंने एकदम से देखा आप एकदम से कुर्सी से गिर गए हैं, हुआ क्या था बेसिकली मुझे ये बताओ। मैं कहता हूँ इन सारे जो जितने जोशी हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी पे यकीन नहीं करना आप। लेकिन भाई एक चीज आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि यार इन पे एतबार नहीं करना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है,
मेरे लगता है रात से फुटबॉल खेलते रहे हैं। एक कहते हैं कि भाई टीम परफॉर्म कर रही है, हम जीत सकते हैं, सारे मैच उन्होंने उम्मीद लगाई रखी है हम जीत जाएंगे। उसको आपने देखा मोहम्मद रिजवान को, अल्लाह की कसम कामरान अकमल की औलाद लग रहा है वो, इधर कैच गिर रहे हैं यार, इधर कैच गिर रहे हैं, ऐसे कोई पकड़ ले यार, कोई पकड़ ले बंदा से, मतलब इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं होती। यहाँ पे लोग मरने टीवी तोड़ देते हैं, लोग आपस में मियां बीवी घर में झगड़े हो जाते हैं, इनको कोई मतलब, आपको एटीट्यूड के साथ तो आए, आपने खेलना है मैच खेलने आए कि आप पहले भी मुर्दा दिल के साथ, मैं देख रहा था चेहरे यहाँ पे मरे हुए चेहरे थे इनके, मतलब आप एक एटीट्यूड के साथ आए, विनिंग कम्बिनेशन आपका इतना ज़बरदस्त है, लेकिन हमेशा से खुदा ना पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि उनकी जो बैटिंग लाइन है उन्होंने हमेशा हमें जो है ना वो मायूस किया है। कभी भी कौम की उम्मीदों पे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी ही नहीं उतरी है। लेकिन बहरहाल अगर हम रियलिटी देखें तो हार और जीत खेल का हिस्सा है, और उनकी बॉलिंग लाइन भी बड़ी अच्छी थी, मैं थोड़ा सा क्रेडिट, जबकि दिल जो है वो दुखे हुए हैं, दिल शिकस्ता हैं, और इस वक्त ऑनेस्टली मेरा बात करने को बिल्कुल भी आपका समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको दादा कहूँगा नहीं बोल यार, मैं तो कहता हूँ ये सब ना अब फेंकने का टाइम आ गया कि हमारे साथ जितनी भैड़ी हुई है ना, अब ये खाने का दिल नहीं करना, ये इसको खिलाओगे तो कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आ रही, हम खुद भी नहीं खाया जाना, ये अलग से नहीं उतरना जो इन्होंने हमारे साथ आज कर दिया, हमारी वही किस्मत फूटी है, वो हमारे साथ एंड पे आगे होनी वही होती है जो हमेशा, इतना हमारा मजाक बनाएंगे दूसरे मुल्क वाले यार, वही मौका ही हो गया ना, यही अब यही बचा और क्या करें, अब ये पेट में ही मांडी बनती है यार, मौका फिर से हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बात करते हैं जनाब, आपको कैसा फील कर रहे हैं आज जो हो गया हमारे साथ? नो कमेंट्स प्लीज, हमें तुमसे प्यार है, ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया था, अब तो कुछ हमें कहने को मिलता नहीं है ना, आखिर मुझे पता है कि जी हार गए हैं, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, बैटिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपकी मिडिल बैटिंग लाइन, उसके बाद इंटरनेशनल इंटरनेशनल ज्यादती और इंटरनेशनल बिस्ती हो गई है हमारी आज, कि इतनी अच्छी टीम जो स्टार्टिंग में खेल रही है, जो स्टार्टिंग में इतनी अच्छी टीम खेल रही है, अचानक से उन्हें क्या हुआ कि वो बेकार हो गए, किस्मत में नहीं लिखा, से फोन होते हैं सारे जी, जो हार जो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे जज्बात, ये हमारे तक ही हैं, फाइट करके हारा ना तला, इसलिए इतना दुख नहीं है, जीतना चाहिए था हमें मैच, लेकिन वो जो अभी वर्दा कह रही थी ना कि लोग तनकीद के निश्तर चलाना शुरू कर देंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा सब्र आ गया होगा कि आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर भारत ने कामयाबी हासिल की, कुछ गलतियां हुई हमारी और अभी भी हमारे लिए मौका है, चार सितंबर को हमारा दोबारा अगले इतवार को मैच है भारत से, उन गलतियों का इजाला करें। इन पाकिस्तानी को बिलबिलाते हुए रोते हुए देखने के बाद में अगर आपकी आत्मा को ठंडक पहुंची ना, तो ऐसा एक कमेंट कर दीजिए कि एक कमेंट चार जूते के बराबर हो, ठीक है, और दबा के कमेंट कीजिए, ठीक है, लेकिन हैशटैग और गाली गलौज का इस्तेमाल मत करना, वो स्पैम हो जाएगा, भूल नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट सिलेक्टेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जुकाम लग रही है, आवाज़ को अवॉइड करना है, इसलिए कम बोल रहा हूँ।